तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना, इसीलिए दादी ने तुम्हारे लिए लड्डू बनाए थे। किंतु तुमसे मिलने की प्रसन्नता में कि तुम्हें लड्डू देना ही भूल गई। तुम्हारे जाने के बाद जब उनका मन शांत हुआ तब उन्हें याद आया कि वे तो तुम्हें लड्डू देना ही भूल गई। फिर उन्होंने लड्डू को देखकर मुझे दौड़ाया तुम्हारे पीछे। लो सोच रहे हो मारुति? कुछ नहीं सोच रहा हूँ मित्र, बस इन लड्डुओं को देखकर स्मृति में खो गया। कैसी स्मृति में? मेरी माँ की। मुझे लड्डू इतने पसंद है कि वे सदा मेरे लिए बनाती थी और अपने हाथों से खिलाती थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो मित्र कि तुम्हें अपनी माँ से लड्डू खाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हाँ मित्र। अच्छा तब आओ हम दोनों साथ लड्डू खाते हैं। लड्डू देखकर मैं अधिक देर तक रुक नहीं सकता। अब तुम्हें क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, आओ। जानते हो मित्र, दादी के हाथ के बनाए हुए लड्डू स्वाद में बिल्कुल मेरी माँ के बनाए लड्डू के समान है। माँ कैसी होती है मित्र? मैंने अपनी माँ को कभी नहीं देखा। ऐसा नहीं कहते मित्र, माँ केवल वही नहीं होती जो हमें सिर्फ जन्म देती है, बल्कि माँ वो भी होती है जो हमारा लालन पालन करती है, हमें अपना प्रेम देती है, हम पर अपना सब कुछ उछावर करती है। कहने का अर्थ कि जिसके आंचल से ममता की गंगा भरे वही हमारी माँ है मित्र, और इस प्रकार तुम्हारी दादी ही तुम्हारी माँ है। केवल संबोधन अलग है और संबोधनों से संबंध नहीं बदलते। इसलिए अब दोबारा कभी मत कहना कि तुम्हारी माँ नहीं है। नहीं कहोगे ना? नहीं कहूँगा मित्र, अब कभी नहीं कहूँगा कि मेरी माँ नहीं है। यह कहूंगा कि मेरी दादी ही मेरी माँ है। शाबाश, अब मैं चलता हूँ। जाकर दादी से कहना कि लड्डू बहुत स्वादिष्ट थे। रुक जाओ मित्र, क्या तुम कुछ दिन और नहीं रुक सकते? थोड़ा सा कठिन है रुकना। क्यों? क्योंकि मुझे अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए उनके कार्य को पूर्ण करना है। इसका अर्थ यह है कि तुम गुरुकुल जाते हो? हाँ, और तुम? तुम तो गुरुकुल नहीं जाते? नहीं मित्र, मैं गुरुकुल नहीं जाता और ना ही मेरा कोई गुरु है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें बहुत ही महान गुरु मिलेगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अच्छा एक बात कहूँ मित्र? कहो ना। क्यों ना तुम मेरे गुरु बन जाओ? हाँ? मैं और गुरु? हाँ, और तुम्हारे सानिध्य में मैं भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता।
जो आप समझ रहे हैं कि मैं बदल गया हूं, मैं अपनी चिंताओं और समस्याओं को आपको नहीं बताता हूं, तो ऐसा आप स्वप्न में भी नहीं सोचिए, क्योंकि मैं अपनी बात आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा? कौन है मेरे निकट? वास्तव में कुंजर जी, मैं बहुत बड़े द्वंद में हूं। किस बात से जापन जी? कुंजर जी, बात ऐसी है कुंजर जी कि मुझे साहस नहीं हो रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। ऐसी कौन सी बात है जामन जी जिसकी अग्नि में आप स्वयं चल रहे हैं? बताते क्यों नहीं? बात क्या है, बोलिए तो सही। कुंजर जी, आप तो जानते हैं कि अमीना पुंज का स्थला क्या रूप है। हाँ, जानता हूं। और आप ये भी जानते हैं कि अंजना के जन्म का क्या कारण है? हाँ, बिल्कुल जानता हूं कि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही पुंजक स्थला ने इस पृथ्वी पर हमारी पुत्री अंजना के रूप में जन्म लिया था, यही ना? किंतु आप ये नहीं जानते हैं कुंजर जी कि ऋषि दुर्वासा ने जो पुंजक स्थला को श्राप दिया था, उसकी अवधि समाप्त हो रही है। अर्थात ये कि पुंजक स्थला के जीवित होने का समय आ गया है। और अंजना, अंजना क्या जाओ बच्चे, अंजना क्या? अंजना के मृत्यु का समय आ गया है। अंजना के मृत्यु का समय आ गया है। अंजना के मृत्यु का समय आ गया है। क्या सोच रहे हो मित्र? किस दुविधा में पड़ गए? क्या तुम मुझे इस योग नहीं समझते कि तुम अपना ज्ञान मेरे साथ बांट सको? नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। तुम हर कार्य में सुयोग्य हो, बल्कि मुझे अपना ज्ञान तुम्हारे साथ बांटकर प्रसन्नता होगी। एकमात्र ज्ञान धर्म ही तो संसार में ऐसा धर्म है जो बांटने से और बढ़ता है। ऐसा सुअवसर प्राप्त होना तो सौभाग्य की बात होती है मित्र। किंतु क्या मित्र? समस्या ये है कि मेरे गुरु का दिया हुआ कुछ कार्य अभी अधूरा है, जिसे पूरा करना अति आवश्यक है, और इसे पूर्ण करने के लिए मुझे आगे की यात्रा पर जाना होगा, और तुम्हें शिक्षा देने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, और मैं यहाँ रुक पाने में असमर्थ हूँ, अन्यथा मैं तुम्हें मेरा सारा ज्ञान दे देता। इसका अर्थ यह हुआ कि संभवतः मेरे भाग्य में शिक्षा है ही नहीं। नहीं मित्र, ऐसी बात नहीं है। संसार कभी भी किसी वस्तु से रिक्त नहीं है। मैं नहीं तो क्या हुआ, तुम्हें मुझसे भी अच्छा गुरु मिलेगा। जो सामने है वही नहीं मिला तो जो भविष्य के गर्भ में है, मैं उस पर कैसे भरोसा करूं? मित्र, वर्तमान ही भविष्य बनाता है। जैसा वर्तमान होगा भविष्य वैसा ही बनता है, और वर्तमान में तुम्हारे भीतर ज्ञान अर्जन की इच्छा प्रबल है, इसीलिए भविष्य तुम्हारा ज्ञान अर्जन का होगा। इसका तो पता नहीं मित्र, किंतु एक बात अवश्य कहूँगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मित्र धर्म होता है। किंतु आज पता चला कि दुनिया के सारे धर्म कर्तव्यों की चक्की में पिस जाते हैं। जाओ,
तुम अपना कर्तव्य पूरा करो। अब तक जिस प्रकार मैं माँ और गुरु के बिना रहा हूँ, उस प्रकार एक मित्र के बिना भी रह लूँ। सोचा था ज्ञान के बहाने मित्र भी मिल जाएगा और गुरु भी, किंतु शायद ये बात मेरे भाग्य को स्वीकार नहीं। अच्छा मित्र, अब मैं चलता हूँ। कुंजर जी के इस दशा का दोषी मैं हूँ। ना मैं उन्हें अंजना के प्राणांत के विषय में बताता, अब ना ही उनकी ये स्थिति होती। अंजना, पुत्री अंजना, महाराज आंखें खोलिए, महाराज आंखें खोलिए। रोइए मत कुंजर जी, मत रोइए, स्वयं को संभालिए। कैसे संभालूं स्वयं को जामन जी, कैसे संभालूं? जानते हैं अंजना केवल हमारी पुत्री नहीं, हमारा संपूर्ण जीवन है वो, हमारी प्राण है अंजना। और यदि सचमुच उसे संसार से विदा लेना है ना जामन जी, तो उससे पहले हम विदा ले लेंगे, क्योंकि उसके बिना तो जीवन की अब कल्पना भी नहीं कर सकते। नहीं कुंजर जी, नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानता हूं कि ये हम सब के लिए कठिन समय है, असहनीय है, कि तू धीरज तो धरना ही होगा ना कुंजर जी। और ये जो घटित हो रहा है वो विधि का शाश्वत सत्य है, जिसे हमें स्वीकार करना होगा। आपकी बातें धर्म सम्मत है जामन जी, पर पिता का अहत प्रेम धर्म नहीं समझता, नहीं समझता जामन जी। वो तो केवल अपने पुत्री के प्रेम और मोह के बंधन में जकड़ा हुआ होता है, इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम में संबंध धर्म से ऊपर हो जाता है। जामन जी, जामन जी, क्या इसके अतिरिक्त देव कुबेर ने आपको कुछ नहीं कहा? किस विषय में? अंजना के जीवन रक्षा के उपाय के बारे में। जामन जी, क्या किसी भी तरीके से हमारे पुत्री के प्राण रक्षा नहीं हो सकते? जामन जी, ये किस अपराध का दंड दे रहा है तू मुझे? किस भूल का प्रतिशोध है ये? पिता के सामने उसके संतान की मृत्यु कैसा न्याय है ये प्रभु, कैसा न्याय है ये? रुक जाओ समय, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो मित्र, रुक जाओ। मारुति, तुम्हें अपने गुरु के आदेश का पालन करना है, इसलिए तुम जाओ, अन्यथा अकारण ही विलंब हो जाएगा। नहीं होगा विलंब, लेकिन मेरी बात तो सुनो। सुनने सुनाने में समय बर्बाद होता है, इसलिए तुम जाओ। सुमित, तुम जानते हो अपने गुरु के आदेश का पालन न करना कितना बड़ा धर्म होता है? गुरु? सुमेर, मैंने निर्णय कर लिया,
कि मैं मेरा अर्जित ज्ञान तुम्हें तो दूंगा। सच मारुति? हाँ सुमे। गुंजर जी, ये तो आप जानते ही हैं कि विधि का विधान नहीं बदलता। तो इस प्रकार आप धीरज खो देंगे, आप टूट जाएंगे, तो महाराज केसरी का क्या होगा? उन्हें कौन संभालेगा, उन्हें कौन समझाएगा? जाफर जी, पुत्र केसरी को इस बात की भनक भी लग गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। वो ये कभी सहन नहीं कर पाएगा कि अंजना उसे छोड़कर चली जाएंगी। जाफर जी, आप देख लीजिएगा, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो हमारे राजमहल से एक नहीं दो दो अर्थियां निकलेंगी। जाफर जी, प्राणांत कर लेगा वो अपना, या फिर विधाता से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएगा। कितना प्रेम करता है वो अंजना से, उन दोनों का संबंध तो ऐसा है जैसे पुष्प का सुगंध से, मेघ का वृष्टि से। झावन जी, आप सत्य कह रहे हैं कुंजर जी। इस बात का संदेह देव कुबेर को भी था, इसीलिए उन्होंने अंजना के मृत्यु के विषय में मुझे बताया ताकि हम महाराज को समझा सके। किंतु कैसे जामवंत जी, पुत्र कैसे तो किसी प्रकार से समझने को तैयार ही नहीं होगा। किंतु समझाने का मार्ग तो निकालना ही होगा ना कुंजर जी। कोई मार्ग है ही नहीं जामवंत जी, सारे प्रयास विफल जाएंगे। किंतु कुंजर जी, प्रयास तो करना ही होगा ना। पहले से तैयार रहने से दुख इतना विकराल नहीं होता है। हमें समझाने का मार्ग निकालना ही होगा कुंजर जी, निकालना ही होगा। तब तो बस एक ही उपाय है जापन जी। क्या? किसी प्रकार से पुत्री अंजना के प्राण बच जाए बस। ये संभव नहीं है कुंजर जी। ऋषिवर मतंग के पास तो कोई उपाय होगा, मुझे उनसे जाकर मिलना होगा, और अभी जाना होगा। नहीं कुंजर जी, आप यही रुकिए। आप अस्वस्थ हैं, आप विश्राम कीजिए, मैं मतंग मुनि के पास चला जाता हूँ। मैं भी चलूंगा आपके साथ जामन जी। कुंजर जी, मेरी बात मानिए, मैं मतंग मुनि से वो सब कुछ पूछ लूंगा। मुझ पर तो विश्वास है ना। अब आप पर विश्वास नहीं होगा जामन जी, तो किस पर होगा? तब मुझे आज्ञा दीजिए। शीघ्र अति शीघ्र लौट कर आइएगा जामन जी, हम प्रतीक्षा करेंगे आप। हाँ हाँ कुंजर जी, हाँ। मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान देते समय कहा था कि मारुति, मेरे ज्ञान का सच्चा सदुपयोग तब होगा जब तुम्हारे द्वारा संसार में धर्म की स्थापना होगी और सबके मन में ज्ञान का दीपक जले। तुम्हें शिक्षित करके मैं अपने गुरु की ही इच्छा को पूर्ण करूंगा। धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे ज्ञान देने का निर्णय लेकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। तुम जैसा मित्र पाकर तो मैं धन्य हो गया जिसने अपने मित्र की इच्छा के सामने अपने कर्तव्य को भी पीछे छोड़ दिया। गुरुदेव ने मुझे ज्ञान देते समय कहा था कि मारुति, मेरे ज्ञान का सच्चा सदुपयोग तब होगा जब तुम्हारे द्वारा संसार में धर्म की स्थापना होगी
और सबके मन में ज्ञान का दीपक जलेगा। इसलिए तुम्हें शिक्षित करके मैं अपने गुरु की ही इच्छा पूर्ण करूँगा। धन्यवाद मित्र, तुमने मुझे ज्ञान देने का निर्णय लेकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। तुम जैसा मित्र पाकर तो मैं धन्य हो गया, जिसने अपने मित्र की इच्छा के सामने अपने कर्तव्य को भी पीछे छोड़ दिया। सुमेर, आज तुमने मुझे अपने गुरु के रूप में चुना है, तथा आज तुम स्वयं एक मित्र के रूप में नहीं अपितु एक शिष्य के रूप में बैठे हो, जिसे मैं विधि का एक सुखद संयोग कहूंगा, जिसके कारण आज मुझे वो दिन स्मरण हुआया जब मैं स्वयं सूर्य देव के पास शिक्षा ग्रहण करने गया था, तथा उन्होंने मुझे अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया था। जिस प्रकार वो दिन मेरे लिए गर्व का दिन था, क्या सोच रहे हो मित्र? नहीं नहीं, कुछ नहीं। शिक्षा प्रारंभ करने से पूर्व एक दूसरे को गुरु शिष्य के रूप में आत्मसात करना होगा, तभी मैं तुम्हें एक गुरु के समान शिक्षा दे पाऊंगा और तुम एक शिष्य के रूप में शिक्षा ग्रहण कर पाओगे। और मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। प्रतीत होता है ऋषिवर गहरी समाधि में लीन है। इस समय उन्हें समाधि से जगाना उचित नहीं होगा, किंतु ये भी तो पता नहीं है कि ऋषिवर समाधि से बाहर कब आएंगे, और मैं जिस समस्या को लेकर आया हूं उससे पुत्री अंजना का जीवन जुड़ा हुआ है। विलंब से अनर्थ होने की संभावना है, इसलिए मुझे प्रतीक्षा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। मुझे ऋषिवर को समाधि से निकालकर अपनी समस्या से अवगत कराना होगा। हाँ, हाँ, एक एक क्षण मूल्यवान है। ऋषिवर, मैं जामवंत आपको प्रणाम अर्पित करता हूँ।
और समाधि से जागिए ईश्वर, समाधि से बाहर आइए। अंजन प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ ऋषिवर, कृपया समाधि से बाहर आइए। ऋषिवर कृपया समाधि से बाहर आइए। सुमेर, अब तुम विधिवत मेरे शिष्य हो गए, अब मैं तुम्हें ज्ञान देना प्रारंभ करूंगा। मनोयोग से ध्यान देना। सुमेर, मनुष्य के जीवन में केवल दो ही तत्व हैं, एक आत्मा जो अजय और अमर है, जो नश्वर है, क्षण भंगुर है। मनुष्य के शरीर को मनुष्य की इंद्रियां ही संचालित करती है। सुमेर, आज सर्वप्रथम मैं तुम्हें मनुष्य के शरीर को संचालित करने वाली उन्हीं इंद्रियों के विषय में ज्ञान दूंगा। ये इंद्रियां क्या होती है गुरुदेव? इंद्रियां वे हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, इसीलिए ये ज्ञान इंद्रियां कही जाती हैं। ये ज्ञान इंद्रियां पांच हैं: आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। यही मन को संचालित करती है। इन पर संयम पाना, इन्हें नियंत्रण पर रखना जीव का वही उद्देश्य होता है। किंतु जब प्राणी इंद्रियों के भ्रम में उलझ जाता है, तब वे अपने उद्देश्य अथवा लक्ष्य से भटक जाता है। सुमेर, एक सन्यासी पुरुष अपनी इंद्रियों से उपकरण का काम लेता है, उपभोग का नहीं। जो सामान्य जन इसका उपयोग उपभोग के लिए करता है, वो एक बंधन है। सुमेर, ये इंद्रियां तुम्हारे अंतरात्मा के अनुसार कार्य करती है, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी इंद्रियों को जीतकर जितेंद्र बनना होगा। प्रतीत होता है गहरी समाधि में होने के कारण ऋषिवर तक बाहरी दुनिया का कुछ पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए मेरी पुकार का भी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। किंतु ऐसे तो अनर्थ हो जाएगा। ऋषि मतों को योग मुद्रा से जगाना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। क्योंकि यही एक है जो त्रिकालदर्शी है, जो सब कुछ जानते हैं, क्या कुछ होने वाला है और जो कुछ भी होने वाला है उसका फलाफल क्या है। अंजना के जीवन की रक्षा का उपाय या मार्ग यही बता सकते हैं। किंतु वो कौन सा उपाय है जिससे ये समाधि से बाहर आ जाए? कौन सी विधि अपनाओ जिससे ये समाधि से बाहर आ जाए? हाँ। अब एक ही उपाय है, योग मुद्रा में जाकर आंतरिक रूप से ऋषिवर से जुड़ना, तभी वो मेरी बात सुन सकेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारे शरीर में पांच ज्ञान इंद्रियां होती हैं, जिनके द्वारा हम स्वाद, सुगंध, स्पर्श, घ्राण एवं दृश्य का अनुभव करते हैं, जो न केवल हमारा ये संसार बल्कि हमारा परमार्थ भी सुधारता और बिगाड़ता है। मित्र, इंद्रियां ही मनुष्य के जीवन का मूल है, इन्हीं को साध कर मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर के समान ऊपर उठ सकता है।
किंतु इसके विपरीत यदि वे इंद्रियों के वश में हो गया तो पतन की कोई भी सीमा नहीं होती। जिस प्रकार शीश पर पहुंचने की कोई पराकाष्ठा नहीं होती, उसी प्रकार पतन की भी कोई पराकाष्ठा नहीं है। यह तो बहुत ही भयानक बात है गुरुवर, क्योंकि संसार में तो हमेशा भटकाव की संभावना होती है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य की इंद्रियों को वश में करा जा सके? मित्र, इंद्रियों को साधने के लिए, उन्हें नियंत्रित रखने के लिए ही ऋषियों ने आश्रम व्यवस्था की ही स्थापना की है। यदि कोई भी मनुष्य आश्रम व्यवस्था के नियमों को पालन करे तो कभी भी इंद्रिया उसे अपने धर्म के मार्ग से नहीं भटका सकती। अर्थात आश्रम जीवन की वे स्थिति है जिसमें कर्तव्य पालन के लिए हर प्रकार से श्रम कहलाना चाहिए। कितने प्रकार के आश्रम व्यवस्था होती है गुरुवर? ये चार प्रकार की होती है सुमेर। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा चौथा एवं अंतिम है सन्यास आश्रम। अब मैं तुम्हें इन चारों आश्रम के विषय में विस्तार से बताऊंगा कैसे मनुष्य इन चारों आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने जीवन के परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। का प्रणाम स्वीकार करे ऋषिवर तथा अपनी समाधि में प्रवेश करने की मेरी इस दुष्टता को क्षमा करे। मैं हृदय से नहीं चाहता था कि मैं आपकी समाधि में प्रवेश करूं अथवा भंग करूं, किंतु मेरा आपसे बात करना इतना आवश्यक था कि मैं स्वयं को रोक नहीं सका और यह दुष्टता कर बैठा। ऋषिवर, समझ सकता हूँ, बिना अनिवार्यता के आप कदापि ऐसा नहीं करते। बताइए जामवंत जी, मेरे पास आने का क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है अंजन प्रदेश की महारानी अंजना की जीवन की रक्षा। ऋषिवर, कुबेर देव ने मुझे अवगत कराया कि अब अंजना का इस नश्वर संसार से विदा होने का समय आ गया है। पुंजिक स्थला श्राप मुक्त हो अब पुनः अपने वास्तविक रूप को धारण करने वाली है और इसके साथ ही पूरे अंजन प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। ऋषिवर, आप ही विचार करें कि जब किसी रथ के पहिए की धुरी ही टूट जाए तो उस रथ की गति क्या होगी। कहने का अर्थ कि अंजना पूरे प्रदेश, पूरे कुटुंब के जीवन की धुरी है, उनकी मृत्यु अनर्थकारी होगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है ऋषिवर कि क्या है ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अंजना के जीवन को बचाया जा सके? ऋषि दुर्वासा का श्राप फलित न हो। सुमेर, चार आश्रम में से सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। ये मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होता है। सुमेर, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है गुरुवर? ब्रह्मदेव के निर्मित नियमों का पालन करना, अर्थात उन नियमों पर चलते हुए विद्या अध्ययन करना तथा संयम का कठोर पालन करते हुए हृदय में वास करने वाले परम ब्रह्म को जानना। ये परम ब्रह्म को जानने का अर्थ क्या होता है गुरुवर? परम ब्रह्म को जानने का अर्थ है सत्य को जानना। गुरुदेव,
सत्य को जानने की विधि क्या है? इसे जानने की विधि ब्रह्मचर्य आश्रम के समय गुरु के सानिध्य में रहते हुए विद्या ग्रहण करना तथा उनके मार्गदर्शन में सत्य का अन्वेषण करना, उसकी खोज करना, ये आश्रम उसी के लिए होता है। एक बात समझाइए। पूछो। यदि कोई बालक किसी कारण से गुरुकुल ना जा पाए तो वो ब्रह्मचर्य आश्रमों के नियमों का पालन कैसे करे? सुमेर, मनुष्य ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन स्वयं ही करता है। शास्त्रों में तो कहा भी गया है, आत्मदीपो भव। इसका अर्थ गुरुवर? इसका अर्थ अपना दीपक स्वयं ही बनो। क्या ऐसा भी संभव है कि मनुष्य अपना दीपक स्वयं बन जाए? बिल्कुल संभव है सुमेर। प्रत्येक मनुष्य में संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सत्य पहले से ही विद्यमान होता है। बस उसे सिर्फ पहचानने की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य के भीतर लगन है तथा सत्य को जानने की उत्कर्ष अभिलाषा है तो अपना मार्ग स्वयं ही बना लेता है, प्रशस्त कर लेता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में अर्जित किया हुआ ज्ञान मनुष्य के पूरे जीवन काल में काम आता है। इसीलिए इस आश्रम के नियमों को बड़े ध्यान और बड़े मनोयोग से ग्रहण करना चाहिए। यही वे अवस्था होती है जिस अवस्था में मनुष्य सद्गुणों, सद्भाव तथा ज्ञान का बीज बोता है, जिसके फल वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में काटता है तथा अपने जीवन को सफलता और सार्थकता देता है और अपने नाम को अमरता। समझ गया मैं गुरुवर कि ब्रह्मचर्य आश्रम एवं गुरु का महत्व क्या है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम का ज्ञान पूर्ण हुआ। सुमेर, अब मैं तुम्हें गृहस्थ आश्रम के विषय में बताऊंगा, जो मनुष्य के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण आश्रम है। यह अवस्था कब प्रारंभ होती है गुरुवर? इसका प्रारंभ काल ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद है सुमेर। विद्या अर्जित करने के बाद ये आश्रम प्रारंभ होता है। ये आश्रम समाज का आधार होता है। आचार, विचार और संस्कार इस आश्रम के उपकरण हैं। महत्व के दृष्टिकोण से जो महत्व मनुष्य के जीवन में वायु का है, वही महत्व सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम का है। इस आश्रम में मनुष्य अपने ऋण से मुक्ति पाता है। कौन कौन से ऋण होते हैं गुरुवर, तथा मनुष्य इन ऋणों से कैसे मुक्त हो सकता है? सुमेर, मनुष्य के प्रमुख रूप से तीन ऋण होते हैं। कौन कौन से? प्रथम ऋषि ऋण, दूसरा देव ऋण तथा तीसरा पितृ ऋण। और देव ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है मनुष्य? जब गृहस्थ आश्रम के मनुष्य तथा वेदों की शिक्षा दूसरों को देकर ऋषि ऋण से मुक्त होता है। और मनुष्य देव ऋण से कैसे मुक्त हो सकता है? इस ऋण से मुक्त होने की विधि है जब मनुष्य अपनी पत्नी सहित विविध यज्ञादि करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है, तब वे इस ऋण से उऋण हो जाता है। और तीसरे ऋण से वे कैसे मुक्त हो सकता है? तीसरा ऋण अर्थात पितृ ऋण से मनुष्य संतान की उत्पत्ति के द्वारा मुक्त होता है। इसीलिए मनुष्य की मुक्ति के लिए इस आश्रम का धर्म पूर्वक पालन करके ही मनुष्य अपने ऋणों से मुक्त होता है तथा मोक्ष को भी प्राप्त करता है। क्या विचार कर रहे हैं ऋषिवर? हाँ जामन जी, आपके आने से पूर्व मैं अंजना के विषय में ही सोच रहा था। मुझे मेरी त्रिकाल दृष्टि से अंजना की मृत्यु की सूचना प्राप्त हो चुकी थी। तब तो आपने मृत्यु को रोकने का उपाय भी खोज लिया होगा ऋषिवर। हाँ, मैं वही ढूंढने में समाधिस्थ था। तब कौन सा उपाय प्राप्त किया है आपने ऋषिवर?
अंजना की मृत्यु को रोकने का। मुझे विश्वास है ऋषिवर, आपने वो विधि ढूंढ ली होगी जिससे उनकी मृत्यु को रोका जा सकता है। बताइए ना ऋषिवर, शीघ्र बताइए, इस अनर्थ को कैसे रोका जा सकता है? आप मौन क्यों है ऋषिवर? बताइए ना ऋषिवर, शीघ्र बताइए, अंजना के जीवन की रक्षा कैसे की जा सकती है? मैं वो हर उपाय करूंगा ऋषिवर, हर वो क्रिया, हर वो विधि, हर वो विधान, अनुष्ठान सब करूंगा ऋषिवर। कृपया बताइए ऋषिवर, कृपया बताइए। देखिए जामन जी, मैं आपकी अधीरता, आपकी व्याकुलता, आपकी चिंता सब समझ सकता हूं, किंतु सत्य तो ये है कि आपसे ज्यादा चिंतित मैं हूं। कौन सा कैसा चिंतन ऋषिवर? क्योंकि देवी अंजना की जीवन रक्षा का कोई मार्ग नहीं है जामन जी। क्या? हाँ जामन जी, देवी अंजना के नृत्य निश्चित है, देवी अंजना के नृत्य निश्चित है, देवी अंजना के नृत्य निश्चित है। ऋषिवर नहीं ऋषिवर, ऐसा मत कहिए ऋषिवर, ऐसा मत कहिए, मत कहिए। सुमेर, गृहस्थ आश्रम के बाद जो दूसरा आश्रम आता है वो है वानप्रस्थ आश्रम। मनुष्य के जीवन का तीसरा पड़ाव, इसके विषय में कहा गया है, एवं वनाश्रमे तिष्ठान् पातयश्चैव किल्विषम् चतुर्माश्रम गच्छेत्तः संन्यास विधिना विजयः। इसका अर्थ क्या हुआ गुरुवर? इसका अर्थ हुआ कि गृहस्थ आश्रम के बाद मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इस आश्रम को धारण करने का तब तो कोई अवश्य ही लाभ होता होगा गुरुवर। प्रत्येक आश्रम का लाभ है सुमेर, सो इस आश्रम का भी लाभ है। इस आश्रम का क्या लाभ है गुरुवर? इस आश्रम का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इसे धारण करने के बाद मन के सारे विकार दूर हो जाते हैं तथा मन में उस निर्मलता का वास हो जाता है जो संन्यास आश्रम के लिए अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में इस आश्रम का क्या महत्व है गुरुवर? सुमेर, वानप्रस्थ आश्रम समाज सेवा अथवा समाज के कल्याण के लिए समर्पित होता है। इस आश्रम में पहुंचने तक मनुष्य अपने सभी ऋणों से उऋण हो चुका होता है। तो उसका क्या लाभ है गुरुवर? बहुत बड़ा लाभ है सुमेर। इस आश्रम में प्रवेश करने के बाद मनुष्य को अपना समय स्वाध्याय, चिंतन मनन, सत्संग ध्यान, ज्ञान भक्ति तथा योगिक साधना के द्वारा अपने तथा समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास में लगाना चाहिए। यही इस आश्रम की व्यवस्था है। इस आश्रम में मनुष्य अपने लिए नहीं अपितु समाज एवं राष्ट्र के लिए जीता है। जो भी उसने इस जीवन से अर्जित किया होता है वो उन सबको सच्चे मन से समाज और राष्ट्र के उत्थान के लिए उन पर न्योछावर कर देता है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि इस आश्रम से समाज एवं राष्ट्र सफल होता है। हाँ सुमेर, वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य को उच्च आदर्शों के अनुरूप जीवन व्यतीत करके समाज में निरंतर सद्ज्ञान, सद्भावना एवं लोकोपकारी रचनात्मक प्रवृत्तियां बढ़ाने तथा उन्मूलन हेतु कार्य करने का सु अवसर प्राप्त होता है। और जब तक मनुष्य समाज के निर्माण में सहयोग नहीं देगा तब तक उसका परलोक भी कभी सुधर नहीं सकता। इसलिए वानप्रस्थ आश्रम
मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण आश्रम है। हाँ गुरुवर, इहलोक और परलोक सुधारने का यह आश्रम एक पुनित अवसर देता है। सही कहा तुमने सुमेर। अब मैं क्या करूं? पुत्री अंजना के जीवन की रक्षा के लिए कहां जाऊं? किससे मिलूं? त्रिकालदर्शी ऋषि मतंग के पास कोई मार्ग, कोई विधि, कोई उपाय नहीं है, तो जीवन रक्षा के लिए किसके पास कोई उपाय होगा? कौन पुत्री अंजना के जीवन की रक्षा कर सकता है? कहीं यह अनर्थ अवश्यंभावी तो नहीं? नहीं, ये अनर्थ नहीं हो सकता है। ऐसा अनर्थ मैं होने नहीं दूंगा। पुत्री अंजना की मृत्यु नहीं हो सकती है। कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। हाँ, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। लोग तो कहते हैं कि जब कोई समस्या होती है तो उसका समाधान भी अवश्य होता है। उस समाधान को कहाँ ढूंढूं? कौन सा उपाय करूं? किसके जाके चरण पकड़ूं? किसे कहूं कि समस्या का उपाय निकालिए? हे विधाता, ज्ञान दीजिए विधाता, इस अंधकार में गुफा से निकलने का मार्ग दिखाइए विधाता, प्रकाश की किरण दिखाइए विधाता, प्रकाश की किरण दिखाइए विधाता। उपाय मिल गया मुझे मार्ग इस संकट से निकलने का। देव कुबेर, उन्होंने ही तो मुझे इस संकट से अवगत कराया था। उनके पास कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा। मुझे शीघ्र ही देव कुबेर का आह्वान करना होगा। देव कुबेर, मेरे सम्मुख प्रकट हो। देव कुबेर, शीघ्र प्रकट होइए। देव कुबेर, शीघ्र प्रकट होइए। जामुन जी, देव कुबेर। प्रणाम कुबेर देव। सुमेर, मैंने तुम्हें जीवन के तीन आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रमों के विषय में बता चुका हूँ। अब मैं तुम्हें जीवन के अंतिम तथा सबसे अहम आश्रम संन्यास आश्रम के विषय में ज्ञान दूंगा। सुमेर, जो मनुष्य तीनों आश्रमों का भली भांति पालन कर लेता है, वे वानप्रस्थ आश्रम के पूर्ण होते ही निष्काम हो जाता है, निष्प्रिय हो जाता है और उसका मन इतना पवित्र हो जाता है कि वो संसार की सभी आसक्तियों से विरक्त हो जाता है और यहीं से प्रारंभ होता है मनुष्य के जीवन के संन्यास आश्रम का मार्ग। कहने का अर्थ है कि वानप्रस्थ आश्रम के बाद ही मनुष्य संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। तो क्या मनुष्य को संन्यास लेने के लिए इन तीनों आश्रमों से होते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त करना आवश्यक है? नहीं सुमेर, संन्यास ग्रहण करने के लिए मनुष्य को वृद्धावस्था तक पहुंचने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त करे, उन्हें अपने वश में कर ले, ताकि संसार के सभी सुखों को देखकर मन विचलित ना हो, भोग उपभोग की कामना ना उत्पन्न हो, मन में उठने वाले द्वंद्व
द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, शंका, आशंका सब कुछ हर प्रकार से समूल समाप्त हो जाए। यदि मनुष्य के मन में संन्यास के प्रति किसी भी प्रकार का संशय विद्यमान है, तब ऐसी स्थिति में संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति संन्यास का वास्तविक सुख अथवा आनंद नहीं भोग पाएगा, बल्कि संन्यास आश्रम को धारण करते हुए भी वो जीवन पर्यंत दुखी भोगता रहेगा। शास्त्रों में कहा भी गया है, संन्यास्तु महाबाहो दुखमाप्तुम अयोगत। इसका अर्थ क्या है गुरुवर? इसका अर्थ है कि संन्यास ग्रस्त मनुष्य यदि संशय युक्त होकर संन्यास के मार्ग पर चले तो उसका जीवन दुख और कष्ट में ही उलझ कर रह जाता है। संन्यास आश्रम में ऐसे कुविचार दुख के कारण होते हैं। कहिए जामुन जी, आपने किस उद्देश्य से हमारा आह्वान किया? कुबेर देव, आपने जिस धर्म संकट में मुझे डाला है, उस धर्म संकट से निकलने के लिए कुबेर देव, मेरी मति कुंद हो गई है, मेरी बुद्धि का हरण हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं आपकी व्यथा समझ रहा हूं, परंतु इस समय जो परिस्थितियां हैं उसमें विधि के विधान को घटित होते हुए देखने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सब बदला जा सकता है, परंतु विधि का विधान न बदला है और न कभी बदलेगा। किंतु इस संदर्भ में विधान को बदलना होगा कुबेर देव, क्योंकि अंजना का जीवन संसार के लिए महत्वपूर्ण है। अपने पति केसरी के साथ साथ पुत्र हनुमान के जीवन का केंद्र है वो। आप सत्य मानिए कुबेर देव, यदि अंजना को कुछ हो गया तो इस संसार में अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कुबेर देव, उसके जीवन की रक्षा के लिए कोई उपाय है तो कृपया बताइए। जामुन जी, जितने चिंतित और दुखी आप हैं, मैं भी उससे कम दुखी और चिंतित नहीं हूं। आपके कहने से पहले ही मैंने जीवन रक्षा पर विचार किया, परंतु जब कोई उपाय, कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखा, तभी मैं आपके समीप आपकी सहायता के लिए आया। जो स्वयं असहाय है कुबेर देव, वो दूसरे की सहायता कैसे कर सकता है? जामुन जी, इस संसार में एकमात्र आप ही हैं जो केसरी को समझा सकते। मैं समझ सकता हूं आपकी वेदना को, किंतु क्या कोई भी उपाय नहीं है? आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा कुबेर देव, किंतु एक उपाय बता दीजिए कुबेर देव। कोई उपाय हो तो बताओ ना जामन जी, परंतु एक क्षण से आशा की किरण है। क्या कुबेर देव? शीघ्र बताइए आप। ऋषि दुर्वासा, मेरे विचार से यदि वे चाहेंगे तो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, ये सब उन्हीं के कारण हुई। यदि उन्होंने पुंजिक स्थला को श्राप नहीं दिया होता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। आप उचित कह रहे हैं कुबेर देव, मैं जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और कहूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो कुछ करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर देव, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये उपाय, ये मार्ग सुझाया है। अच्छा कुबेर देव, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे शीघ्र ही ऋषि दुर्वासा के आश्रम में पहुंचना होगा। हाँ 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 हाँ।
इस प्रकार जो भी मनुष्य इन चारों आश्रमों को विधि पूर्वक पालन करता है तथा इन आश्रमों के नियमों को अपने जीवन में उतारता है, उन नियमों को अपने जीवन का अंग बनाता है, वे सांसारिक जीवन जीते हुए भी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आश्रमों को तो मैं भली बात समझ गया गुरुवर, अब मुझे ये बताइए कि ये मोक्ष क्या है? जीवन का निर्धारित लक्ष्य है, जीवन का परम पद है मोक्ष, आवागमन के बंधन से मुक्ति का मार्ग है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वही एकांतवासी दुर्वासा ऋषि का आश्रम है, बिल्कुल अलग थलग एकांत में। स्वभाव से क्रोधी होने के कारण लोग उनके पास जाने का साहस नहीं कर पाते और ना ही उनकी कोई पहल होती है लोगों को पास में बुलाने की। परिजन एवं समाज से दूर रहते हैं दुर्वासा ऋषि। क्रोध का तो ये गुण ही होता है समाज से काट कर अलग थलग कर देना, और इसीलिए क्रोधी के पास कोई भी नहीं जाता है और ना ही उसके संपर्क में रहना चाहता है। किंतु मैं आज दुर्वासा ऋषि के क्रोध का सामना करूंगा, आज मैं उनके सामने जाऊंगा और जाकर अपने संकट के समाधान के बारे में उनसे उपाय पूछूंगा। हाँ, संकट का समाधान उनसे पूछूंगा। मोक्ष से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पा लेता है सुमेर। ये किन मनुष्य को प्राप्त होता है गुरुवर? जो चारों आश्रमों के नियमों को अनुशासित ढंग से पालन करता है। मोक्ष प्राप्त करने में बाधक तत्व क्या है गुरुवर? मोक्ष प्राप्त करने में बाधक होते हैं मनुष्य के पंच विकार। ये पंच विकार क्या है गुरुवर? वो मैल है जो मनुष्य के जीवन को गंदा कर देते हैं, इसीलिए उनसे सदा बचकर रहना चाहिए मनुष्य को। इन पंच विकारों के नाम क्या है गुरुवर? काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ, यही हमारे शत्रु हैं, जो सदा घात लगाए रहते हैं हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए। सभी चारों आश्रमों में इन शत्रुओं पर विजय आवश्यक होता है सुमेर। जिसने भी इन पर अंकुश लगा लिया और परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। समझ गया मैं गुरुवर, मोक्ष की महिमा तथा मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। ऋषि दुर्वासा तो आश्रम में है ही नहीं, कहां गए ऋषि दुर्वासा? कहां जा सकते हैं वो? सुमेर, मैंने तुम्हें जीवन के सभी महत्वपूर्ण ज्ञान दे दिए। सुमेर, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया वो ज्ञान का सार है। इस ज्ञान को तुम्हें अपने जीवन में उतारना है, उस पर अमल करना है तथा इसी ज्ञान के अनुसार तुम्हें संसार में व्यवहार करना है।
क्योंकि आचरण ही ज्ञान और ज्ञानवान व्यक्ति का लक्षण है तथा इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो मैं तुम्हें समझाता हूँ। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास संसार का पूरा ज्ञान है किंतु वो अपने कर्मों से अज्ञानी हैं। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना एक बात है और उसे जीवन में उतारना दूसरी बात। संसार में सच्चा ज्ञानी वही होता है जिसके ज्ञान और कर्म में कोई अंतर नहीं होता। सुमेर, इस जल को पान करो। यह क्यों गुरुवर? ये पूर्णता का साक्षी है सुमेर। मेरा सारा ज्ञान तुम्हारे शरीर में समा गया, जो कुछ भी मैं जानता था। जितना कुछ भी मैं जानता था वो मैंने तुम्हें सच्चे हृदय से बता दिया। अतः इस प्रकार तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। धन्यवाद गुरुवर, मुझे शिक्षा देकर ज्ञानी बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुवर नहीं, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, वही पहले वाला मित्र। हाँ मित्र, मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा जो तुमने मेरा गुरु बनकर गुरुधर्म निभाया और मित्र धर्म भी। सुमेर, एक बात सदैव अपनी स्मृति में रखना कि संसार में अपने परिजनों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई भी धर्म नहीं होता। इसलिए तुम अपनी दादी और अपने पिता के पास जाओ, उनकी सेवा करो। वे लोग तुम्हारी प्रतीक्षा करते होंगे। अवश्य। अच्छा, विदा। अब मुझे भी शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। चले गए ऋषि दुर्वासा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी यात्रा पर चले गए? नहीं, ऐसा होगा तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो फिर कब वापस आएंगे ये तो पता ही नहीं। जब कोई आश्रम में है ही नहीं तो ये ध्वनि कैसे आ रही है? चलकर देखना होगा। तो व्यर्थ ही चिंतित हो गया था, ऋषिवर यहां है। किंतु ऋषि को इस स्थिति में देखकर तो यह बोध हो रहा है कि ऋषिवर वर्षों से समाधि में लीन है। ऐसे में इनकी समाधि तोड़ने का साहस करना इनकी क्रोध की अग्नि को घृत की आहुति देने के समान है। जो भी इन्हें इस समाधि से जगाएगा उसकी मृत्यु तो निश्चित है। फिर क्या करूं? प्रतीक्षा, समाधि से जगाने का दुस्साहस।
विचित्र सी दुविधा में घिर गया हूं मैं। कौन सा मार्ग अपनाऊं विधाता, कौन सा मार्ग अपनाऊं, कौन सा मार्ग अपनाऊं? बहुत तीव्र प्यास लगी है, इस कुटिया में पीने को जल अवश्य प्राप्त हो जाएगा। हड्डियाँ? कौन ऐसा हवन कर रहा है? कौन है यहाँ? ऋषिवर, ऋषिवर आप कहाँ हैं? ऋषिवर, क्या मुझे कोई यहाँ पानी पिलाएगा? एक ऋषि के आश्रम की यह स्थिति, हवन कुंड खंडित, धर्म ग्रंथ इस प्रकार धरती पर बिखरे हैं। इस आश्रम की यह स्थिति हुई कैसे? किसने की होगी ऐसी स्थिति आश्रम की? कौन हो सकता है वो? कोई असुर या कोई और? मुझे पता करना होगा कारण, किंतु मैं पता कैसे कर पाऊंगा? किससे पूछूं? यहाँ तो कोई है भी नहीं। नहीं, कोई है आसपास। तभी तो मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही है। खोजता हूँ मैं मंत्रोच्चार करने वाले ऋषि को। क्या करूं, कैसे जगाऊं ऋषि दुर्वासा को उनकी समाधि से? समाधि से जगाने का अर्थ है उनके क्रोध का कोप भाजन बनना। क्योंकि जब सामान्य स्थिति में ये इतने क्रोधी हैं कि मन के वृद्ध होने पर श्राप दे देते हैं, फिर ये तो इनकी समाधि से जगाने की बात है, ये तो जाग कर भस्म ही कर देंगे। किंतु इन्हें समाधि से जगाए बिना काम भी तो नहीं चलेगा। समय अभाव है, कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा ताकि ये अपने समाधि से जाग भी जाएं और क्रोधित भी ना हो। इसके लिए क्या करूं, क्या करूं, कुछ सोचना होगा। बुद्धि की परीक्षा है यहां।
ऋषि दुर्वासा क्षमा करे, पुत्री अंजना के जीवन की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक था ऋषि, आवश्यक था, क्षमा करे, क्षमा करे। वास्तव में कोई साधना है या फिर किसी ने इन्हें बंदी बनाकर रखा हो? इस प्रश्न का उत्तर तो ऋषि देव ही देंगे, उन्हीं से पूछना होगा। ऋषिवर, ऋषिवर आंखें खोलिए ऋषिवर। मेरा स्वर नहीं सुन पा रहे हैं, प्रतीत होता है किसी बंधन में हैं। मुझे इन्हें मुक्त करना होगा, तभी ये कुछ बता पाएंगे और मैं कारण को जान पाऊंगा। कौन है, कौन है वह दुष्ट जिसने मेरी समाधि को भंग किया? सामने आओ दुराचारी, सामने आओ। क्या समझते हो, छुपने से तुम बच जाओगे? ये तुम्हारी भूल है, महाभूल है। मेरे सामने आओ, नहीं तो जहां भी होगे जल के भस्म हो जाओगे। जो भी जहां भी छिपा है सामने आओ। तुमने दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का निरादर किया है, इसलिए भस्म होने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा करे, क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे, क्षमा करे ऋषिवर, क्षमा करे। मेरी इस दुष्टता के लिए क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। मैं अंजन प्रदेश से आया हूं जामवन, मैं ही हूं जिसने हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करके आपके समाधि को भंग करने का दुस्साहस किया है ऋषिवर। किंतु ऋषिवर, आप कठोर के साथ साथ दयालु भी हैं। आप संसार का कल्याण करने वाले हैं, फिर मुझ अज्ञानी का हित नहीं कर सकते हैं ऋषिवर। मैं याचना करता हूं ऋषिवर कि आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए और जिस उद्देश्य से मैंने आपकी समाधि को भंग किया है अपने क्रोध को त्याग दीजिए। उसे सुनने के बाद यदि मैं दंड का भागीदार हूं तो निसंदेह मुझे दंड दीजिए ऋषिवर, निसंदेह मुझे दंड दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आप तो श्रेष्ठ हैं ऋषिवर, और श्रेष्ठ के सामने
उसकी बात को नहीं मानना अपराध होता है ऋषिवर। जामन, आपने बुद्धिमत्ता दिखाई, आप मेरे सामने आ गए, नहीं तो मैं क्रोध में आपको भी श्राप दे देता। मुख से श्राप निकल जाने के बाद न तो वो वापस होता है और ना ही वो वापस आता है। जी ऋषिवर। किंतु जामवन जी, मेरे आश्रम तक पहुंचे, मुझे समाधि से उठाए, तो मेरे विचार से अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर, एक विशेष प्रायोजन हेतु ही मैं आपके पास आया हूं। हाँ कहिए। आपके सामने आया हूं ऋषिवर, किसी के जीवन की रक्षा की आस लेकर। किसके जीवन की रक्षा? हाँ ऋषिवर, बहुत समय पहले की बात है, आपने कुबेर देव की एक अप्सरा पुंजकस्थला को श्राप दिया था। पुंजकस्थला श्राप? पुंजकस्थला स्मरण है मुझे। उसने मेरा तप भंग करना चाहा था और मैंने उसे बंदरिया होने का श्राप दिया था। क्या हुआ उस असिष्ट का? ऋषिवर, आपके श्राप के कारण पुंजकस्थला का जन्म पृथ्वी लोक पर अंजना के रूप में हुआ, जो अंजन प्रदेश के महाराज केसरी की पत्नी और रुद्रावतार हनुमान की मां है। अब संकट ये है ऋषिवर कि आपके श्राप की अवधि समाप्त होने वाली है, तो पुंजकस्थला जीवित हो उठेगी और अंजना की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात पुंजकस्थला के जीवन का अर्थ है वो तो आप जानते ही हैं ऋषिवर। साधारण बंधन नहीं है, ये मायावी बंधन है, और ये मायावी बंधन ऐसे नहीं खुलते। मुझे इस बंधन को खुलने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा।